जय जगन्नाथ। देश का पहला CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत आज कहने में मुझे बहुत दुख होता है कि उनका निधन हो गया। एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तमिलनाडु के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया क्योंकि वेलिंगटन में वो डिफेंस कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। जनरल विपिन रावत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के विमान में वो सुलूर एयरबेस तक आए और सुलूर एयरबेस में वो MH-17B5 हेलीकॉप्टर में उन्होंने वेलिंगटन के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनका पत्नी मधुलिका रावत और साथ साथ 12 क्रू मेंबर थे। बहुत अच्छे अच्छे रैंक में ऑफिसर थे। तो रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तमिलनाडु के ऊटी पहाड़ी के बीच उनका हेलीकॉप्टर MH-17B5 क्रैश कर गया। MH-17B5 ये दुनिया का बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर होता है। इसको रूसिया बना था, ये रूसिया से भारत खरीद के लाया था। कैसे ये क्रैश कर गया आज बहुत दुख होता है क्योंकि ये देश का पहला CDS थे। फ्रेंड्स नमस्कार, फ्रेंड्स मैं अरुण कुमार। आइए जानते हैं जनरल विपिन रावत के बारे में। विपिन रावत वो उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ 1958 मार्च 16 तारीख को। उनका पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत, जनरल विपिन रावत, उनका बचपन आर्मी बेस में बीत गया था क्योंकि उनका पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी में एक अच्छे रैंक के ऑफिसर थे, इसलिए वो बचपन में आर्मी बेस में रहना पढ़ना शुरू किए। और उनका माता काशी के एक MLA के बेटी। विपिन रावत वो हमेशा वो आर्मी के अंदर रहते थे, इसलिए बचपन में उनको देश प्रेम की भावना उनके दिल में घुस चुका था। इसलिए वो इंडियन आर्मी में आने का फैसला बचपन में कर दिया था। उन्होंने डिफेंस एकेडमी कॉलेज देहरादून में अपना कॉलेज लाइफ शुरू करके सिर्फ 21 साल की उम्र में वो सेना में दाखिल हो गए। 1989 में उन्होंने पहले इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर दिए थे। उसी दिन से वो इंडियन आर्मी के लिए अपना सारा जिंदगी बिता दिए। वो बचपन में आज तक उन्होंने सिर्फ आर्मी के लिए ही जीते रहे। वो हिंदुस्तान का लाल आज हमारे बीच नहीं है, वो कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन शहीद कभी मर नहीं सकता, ये हमेशा अमर होते हैं। सारा देश आज उनको सैल्यूट करता है, उनके लिए सारा देश रोता है। वो शहीदों के आगे मैं नमन करता हूँ। 1986 में उन्होंने मधुलिका रावत से उनका शादी हुआ। वो मध्य प्रदेश के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में उनका शादी हुआ मधुलिका रावत से। उनका दो बेटी प्रीतिका रावत और तारिणी रावत। उनका बड़ा बेटी का शादी हो गया, वो मुंबई में रहता है। उन्होंने आर्मी में पहले लेफ्टिनेंट कर्नल और आर्मी चीफ, उसके बाद आर्मी चीफ से रिटायर होने के बाद उनको देश का पहला CDS बनाया गया था। CDS यानी तीनों सेना के ऊपर, तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करके वो फैसला करते हैं। तीनों सेना के ऊपर वो होते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर के एक बहुत अहम पोस्ट होते हैं। जनरल विपिन रावत CDS में जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ वो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। पहला उनका थिएटर कमांड, और उन्होंने नेवी को हिमालय तक ले गया है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में वो बहुत बहुत अच्छे तरह से समझते थे और उनको मुंहतोड़ जवाब देते थे। जो एरियल स्ट्राइक हुआ था वो जनरल विपिन रावत का अहम भूमिका था, उन्होंने ये एरियल स्ट्राइक किया था। इंडियन आर्मी में जो डिफेंस डील होता है वो विपिन रावत का बहुत अहम अहम भूमिका होता था। जनरल विपिन रावत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडियन आर्मी को बहुत तगड़ा करके गए हैं, जिसे इंडियन आर्मी
अब हर किसी के साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उनका लक्ष्य था वो विश्व में इंडियन आर्मी को एक नंबर करके दिखाएंगे, लेकिन उनका सपना बीच में अधूरा हो गया। लेकिन हम हिंदुस्तान मिल गए उनका सपनों को बहुत जरूर पूरा करेंगे। या कौन के बारे में मेरा आँख भर जाता है, मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे व्यक्तिगत उनका निधन का बहुत दुख होता है। वो बहुत अच्छे इंसान थे जनरल बिपिन रावत। आए हम लोग मिलकर उनको हृदय से श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे, उनका आत्मा को सदगति मिले। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।